बारे में जो भी ग्राउंड लेवल अरेंजमेंट्स करना है पूरा डिपार्टमेंट्स की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से हम कोऑर्डिनेट करके ग्राउंड पे जितना एक्शंस लेना है हर एक डिपार्टमेंट, जीएचएमसी हो या ट्रांसको हो या आप वाटरवर्क्स डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, ऐसे पूरा डिपार्टमेंट्स की मदद से ये दोनों फेस्टिविटीज़ अमन और शांति से हैदराबाद सिटी में एक बहुत शानदार से ये दोनों फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए और दोनों कम्युनिटी का मीटिंग्स आज हम रखे हैं। ये साउथ जोन एरिया का ये मीटिंग्स गणेश के लिए एक और ये बकरीद फेस्टिविटी सेलिब्रेट करने के लिए जो भी कम्युनिटी एल्डर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके साथ हम मीटिंग करें और इसमें पूरा डिपार्टमेंट्स का ऑफिसर्स अटेंड किया है। अब ये ऑर्गेनाइजर्स का जो भी सूचना है, सजेशंस आए हैं, हम अकाउंट में लेके उनका पूरा रिजॉल्व करके ये पूरा फेस्टिवल्स, दोनों फेस्टिवल एक अच्छी तरह से मनाने के लिए और एक क्लीन एनवायरनमेंट में एक अच्छा अमन और शांति के साथ आगे लेके जाने के लिए पूरा कम्युनिटी एल्डर्स का सपोर्ट लेके जाते हुए और रिलीजियस हेड्स इनके साथ ही साथ पूरा कॉमन पब्लिक का, आम आदमी का इन्वॉल्वमेंट इसमें करके सभी के लिए एक ही लक्ष्य है, हैदराबाद में लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरह रहना है, अमन और शांति रहना है, उससे ही हमें डेवलपमेंट होता है और जो भी वेलफेयर प्रोग्राम गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो आगे लेके जा सकते हैं। हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट का जो भी ये एफर्ट हैं, जो भी जो लक्ष्य हैं, जो एम हैं, हैदराबाद एक ग्लोबल सिटी बनना, हैदराबाद में पुलिसिंग स्टैंडर्ड्स एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स रहना है, इसके अनुसार पिछले तीनों साल में ऑल फेस्टिवल्स, जो गणेश हो, बोनालू हो, बकरीद हो या जो भी दूसरा फेस्टिवल्स हो, सभी कम्युनिटीज़ का सभी फेस्टिवल्स अमन और शांति से इंसिडेंट फ्री हम सेलिब्रेट करते हुए आगे चल रहे हैं। ये करने से हमें ये इमेज मिला है कि हैदराबाद के पब्लिक एक पीस लविंग पब्लिक, अमन और शांति चाहते हैं और डेवलपमेंट चाहते हैं, वेलफेयर प्रोग्राम्स चाहते हैं, सभी अपना अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ऐसे एनवायरनमेंट में पूरा फेस्टिवल्स, पूरा एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें जो पब्लिक का मदद मिल रहा है उसके सपोर्ट से ही, पब्लिक का सपोर्ट, ऑर्गेनाइजर्स का सपोर्ट से ही ये पूरा फेस्टिवल्स हम आगे लेके जा रहे हैं। ये गणेश फेस्टिवल के बारे में हम लगभग 25,000 पुलिस ऑफिसर्स और मैन को डिप्लॉय कर रहे हैं। पूरा शहर में जहाँ भी हो ये फेस्टिवल का जो अरेंजमेंट्स हैं, हर एक एरिया में अमन और शांति रखने के लिए पूरा कम्युनिटी एल्डर्स से बात करके उनको किसी को भी कोई नुकसान ना हो के और कोई तकलीफ ना होने के लिए ये अरेंजमेंट्स रहेगा। पूरा रूट्स में सीसीटीवीज का कैमराज लगाए हैं, हज़ारों कैमरा सीसीटीवीज लगाए हैं और ये गणेश जो मंडप्स हैं उसके लिए हम ये साल एक और नया टेक्नोलॉजी, ये जियो टैगिंग करके और हर एक मंडप को हम क्यूआर कोड देने से हमें ये मालूम होगा कि हर एक मंडप पर कितने पुलिस ऑफिसर्स कब इंस्पेक्शन किया है, अमन और शांति रखने के लिए क्या अरेंजमेंट्स किया है, कितने बार विजिट किया है, वो लोकल ऑर्गेनाइजर्स का किसका कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, यह पूरा इसमें समाचार मिलेगा और सुपरवाइजरी ऑफिसर्स के लिए मॉनिटर करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही साथ ये सेंट्रल कमांड कंट्रोल सेंटर में ये पूरा कैमरास को हम कन्वर्ज करके उधर हर एक डिपार्टमेंट का ऑफिसर भी रहते हैं और 24/7 ये मॉनिटर करके ये अमन और शांति रखने में हर एक डिपार्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट करके हम ये सीसीटीवी मॉनिटरिंग से आगे लेके जा रहे हैं। और इमर्शन का बात हुआ तो ये पूरा गणेश आइडल्स को इमर्शन करने में 36 क्रेन्स हम टैंक बंड पे रख रहे हैं। इसके अलावा और दूसरा लेक्स में भी क्रेन्स हैं, लेकिन ये पूरा फेस्टिवल एक अच्छे तरह से सभी पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट से
और ऑर्गेनाइजर्स का इन्वॉल्वमेंट से हम ये अमन और शांति से पिछले साल में कैसे हुआ है ऐसे लेके जाने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से हर एक डिपार्टमेंट जो लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेशन हो, ट्रैफिक हो, सिक्योरिटी विंग हो, स्पेशल ब्रांच हो या आर्म रिजर्व हो, होम गार्ड्स हो, सभी का इन्वॉल्वमेंट करके हम इसको सक्सेस करने के लिए पूरा प्लान्स तैयार किया है। और हमारे पुलिस की साथ ही साथ स्टेट लेवल का पुलिस जो भी हो, तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस, पूरा दूसरा डिस्ट्रिक्ट्स और कमिश्नरेट्स का पुलिस फोर्स, इसके साथ ही साथ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस आरएएफ, ये सभी का अरेंजमेंट्स भी हम इसमें किया है। और ये पूरा पुलिस फोर्स को हम इधर डिप्लॉय करके पूरा शहर में अमन और शांति रखने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पूरा तैयार हैं। एक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और ये यही टाइम पे हमें बकरीद का जो फेस्टिवल सितंबर 2nd आ रहे हैं, उस दिन पर एक बढ़िया से ये सेलिब्रेशंस करने के लिए हम कम्युनिटी के साथ आज जो मीटिंग हुआ है, बहुत अच्छा सजेशंस आए हैं। उनके लिए जो भी तकलीफ हैं पूरा स्टेट पे, तेलंगाना स्टेट पे, वो तकलीफ को दूर करने के लिए हम डीजी साहब से बात करके पूरा एसपी और कमिश्नर से एक मीटिंग करवाएंगे। और ऐसे ही इनके साथ ही साथ ये वेटरनरी डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनका ऑफिसर से भी एक मीटिंग होगा, और जीएचएमसी कमिश्नर, उनका वेटरनरी ऑफिसर से भी मीटिंग होगा। ये पूरा ऐसे कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स करके हम ये बकरीद में जो कुर्बानी देते हैं और जो परमिटेड एनिमल्स हैं उसको किसी तकलीफ ना हो के ये इधर लेके आने के लिए, जो ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम ना होने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से, पूरा तेलंगाना स्टेट पुलिस की तरफ से हम अरेंजमेंट्स करके ये फेस्टिवल को अच्छी तरह मनाने के लिए हम आगे रहेंगे। इसके साथ ही साथ पुलिस और जीएचएमसी और दूसरा डिपार्टमेंट्स एक टीम वर्क करके वो बकरीद के दिन ये सफाई करने में, ये क्लीनिंग बैग्स डिस्ट्रीब्यूट करने में, और वॉलंटियर्स को इन्वॉल्व करके, एनजीओस को इन्वॉल्व करके तुरंत साफ करके या पूरा पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ज़रूर एक्शन ले लेंगे और उनके साथ कम्युनिटी के साथ हम काम करेंगे। ये पूरा फेस्टिवल में हैदराबाद सिटी पुलिस शामिल होके आगे लेके जाने के लिए और अमन और शांति रखने के लिए हम तैयार रहेंगे 24/7। थैंक यू।